नमस्कार साथियों, यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दीपांश है। आइए जानते हैं इस वक्त की अपडेट। पिंक बोलवर्म कपास के लिए खतरा। साथियों, जोधपुर स्थित दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी केंद्र के निदेशक ने हाल ही में बताया कि पिंक बोलवर्म या गुलाबी बोलवर्म से उत्तर भारत में कपास की फसल को होने वाला खतरा बढ़ा है। दक्षिण एशिया जैव प्रौद्योगिकी के निदेशक ने बताया कि उत्तर भारत के ऊपरी हिस्से में चक्रवात बिपरजॉय के कारण पिंक बोलवर्म ने तेजी से अपनी आबादी को बढ़ाया है। दोस्तों, पिछले दो वर्षों की तुलना में इस साल उत्तर भारत में कपास की फसल पर पिंक बोलवर्म कीटों के हमले की तीव्रता अधिक देखी गई है। आपको बता दें कि पिंक बोलवर्म मध्य और अंतिम चरण में फसल को प्रभावित करता है, जिससे उपज में कमी आती है और गुणवत्ता प्रभावित होती है। हाल के वर्षों में सफ़ेद मक्खियों और गुलाबी बोलवर्म जैसे कीटों ने कपास की फसल को बुरी तरह प्रभावित किया है। साथियों, आंकड़ों के अनुसार पंजाब में किसानों ने पिछले साल 2.54 लाख हेक्टेयर में कपास उगाई थी, जो इस वर्ष घटकर 1.7 लाख हेक्टेयर रह गया है। हालांकि पंजाब में गिरावट के बावजूद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल कपास का क्षेत्रफल 15.44 लाख हेक्टेयर की तुलना में बढ़कर इस वर्ष 16.17 लाख हेक्टेयर हो गया है। गौरतलब है कि पिंक बोलवर्म या गुलाबी बोलवर्म कपास के फसल को खराब करने वाला एक प्रमुख कीट है। दोस्तों, गुलाबी बोलवर्म एशिया का मूल निवासी है, लेकिन दुनिया के अधिकांश कपास उगाने वाले क्षेत्रों में एक आक्रामक प्रजाति बन गया है। इसका वैज्ञानिक नाम पेक्टिनोफोरा गॉसिपिएला है। केंद्र की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने कपास का एक नया ट्रांसजेनिक बीज बनाया है, जो पिंक बोलवर्म के लिए प्रतिरोधी है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।